हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सम्राट गेम वीके। और आज गेम सेटिंग दिखाएंगे आपको, सारी गेम सेटिंग और ग्राफिक्स के साथ। ये प्लेइंग स्टेशन 2 की गेम जो प्लेइंग स्टेशन 4 तक पहुंची, शैडो ऑफ द कोलोसस। देख सकते हो इसका अमेजिंग ग्राफिक्स, काफ़ी अलग है, बिल्कुल रियलिस्टिक और कैरेक्टर एनिमे के स्टाइल में। और आपको दिखा रहा हूँ मतलब बहुत सारी सेटिंग पर, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आप 1.2 से आगे के वर्जन का इस्तेमाल करें, या 1.7 या 1.3। इस वर्जन में चलता स्मूथली है, पर गेम प्ले की वीडियो थोड़ी स्लो होती है, बाकी गेम प्ले स्मूथ चलता है। हम चला रहा हूँ ये देख सकते हैं किसी 2 की, ये इतनी रियलिस्टिक ग्राफिक और इतनी अच्छी है, किसी पॉपुलरिटी प्लेइंग स्टेशन 4 तक अवेलेबल है। प्लेइंग स्टेशन 4 में रीमेक होके आई थी, ऐसे ग्राफिक्स के फर्स्ट वाली भी काफ़ी अमेजिंग है कि यही ओरिजिनल है और इसकी ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक है। और ये गेम रिव्यू गेम प्ले दोनों वीडियो है। रेन इफेक्ट कितना रियलिस्टिक है, बाकी व्यू और बैकग्राउंड देख सकते हो कितना अमेजिंग है, बिल्कुल एनिमे वाली फीलिंग से भी ज्यादा रियलिस्टिक। हाँ, अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। देख सकते हैं ग्राफिक्स में कितना अंतर है, एक सेटिंग और करके दिखाते हैं। देखिए इसमें ये फास्ट तो हो गया, पर इसके ग्राफिक्स उतने स्मूथ नहीं है। वेरी वेरी इजीली चल जाता है और ज़्यादा बड़ी नहीं, 1 GB से कम का उसका सेटअप है। प्लेइंग स्टेशन 2 की गेम 1 GB से कम की है। और इसमें जॉइंट शैडो ऑफ द कोलोसस गेम है, ये हमारा मेन कैरेक्टर जॉइंट कोलोसस एंड टाइटन जो शैडो मॉन्स्टर ख़त्म करेगा, जो कि 10 होगा। और इस गेम के 2 पार्ट हैं और ये फर्स्ट पार्ट है, और इसकी गेम अलग से निकालते हुए प्लेइंग स्टेशन 2 में अवेलेबल है और प्लेइंग स्टेशन 4 में भी। तो अमेजिंग है, देख सकते हो इसकी सेटिंग्स क्या फ़र्क है, कुछ खास फर्क नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं, मैं 1.2 वर्जन ग्राफिक्स से खराब, बस यही है वीडियो प्ले थोड़ा स्लो चलता है। और आप बहुत तरह की सेटिंग करके दिखा रहे हैं इसमें कि सेटिंग्स का इफेक्ट पड़ रहा है थोड़ा बहुत, पर इसके पर लेकिन ये बेस्ट एवर गेम्स में से एक है देखा जाए तो। ओल्ड इस गोल्ड गेम एक तरह से, और एक लव स्टोरी गेम भी है जिसमें एक लव स्टोरी है, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं करूँगा मैं, पर देख सकते हो उसके बैकग्राउंड ग्राफिक्स काफ़ी। आपको ऐसे अमेजिंग और सी वीडियो और गेम सेटिंग मिल जाएगी इस चैनल पे। सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
देख सकते हैं माइनक्राफ्ट। इसके बैकग्राउंड वॉल को देखो, वॉल कितनी रियलिस्टिक बनाई गई है। और ये फास्ट है खाली, टेम्पल को देखो, टेम्पल जैसा दिख रहा है। इसके लिए को जैसे चाहे वैसे सेटिंग यूज कर सकते हैं इस पर। पर हर सेटिंग से ऐसे ग्राफिक्स थोड़े लो या हाई लगेंगे। मैंने पूरा फास्ट कट रखा है, लेकिन पूरा फास्ट करने के बाद भी इसकी वीडियो प्ले थोड़ा स्लो चलती है वॉइस खाली इस पर, बाकी और कोई नहीं। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ट्राई करना चाहते तो ट्राई करें इस एनिमी जैसी गेम को। देखिए कितने रियलिस्टिक पार्टिक्स है। और इसमें म्यूजिक भी देख सकते, म्यूजिक भी कैसा हाईलाइटेड म्यूजिक है। फ्रेंड्स जो मैं कह रहा था वो यही चीज़ है, यही चीज़ है। उसमें थोड़ी स्लो है ये सेट नहीं करने के बाद, तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 1.3 वर्जन यूज़ करें या उससे ऊपर। हालांकि सेटिंग मैंने आपको दिखा दी तो इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी इजीली आप चला सकते हैं, स्मूथली चलेगा आपके पीसी में अमेजिंग तरीके से। इसमें कोई भी सेटिंग ट्राई कर सकते हैं, वीडियो सेटिंग कोई सी भी।
से वो से तो वाश नो थे क्यों वो जीव ला इस क्यों कर इट इज ऑल ऑफ यू इवेल इको इट्स नो ऑल्स आई एम सो आई लुक डी क्लिक इफ द लीस टू इज ज्यादा ठंडा हो गया फेस और हमारा मेन कैरेक्टर चलता है इस लैंड के जॉइंट मॉन्स्टर शैडो को खत्म करने की उसका नाम है कोलोसस जो एक से ज्यादा मॉन्स्टर है फ्रेंड। जैसे कि आपने देखा वीडियो में बिल्कुल वैसे ही है, ग्राफिक्स कुछ अंतर नहीं है इसमें के हिसाब से। और इसके पास वेपन एरो बोज भी है और स्वॉर्ड। फ्रेंड्स शुरू हो गया हमारे हीरो की जर्नी। फ्रेंड्स यहीं तक था डेमो और ये, और आपने अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई पर आपने सपोर्ट करा इस वीडियो को यहाँ तक देखने में, थैंक्स। और सपोर्ट हर लोग मेरे सब्सक्राइबर सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, आपके बिना ये चैनल है अधूरा। तो देख सकते हो गेम प्ले चालू कर रहे हैं और किस तरीके से, फिर वीडियो कुछ अंतर नहीं है वीडियो के हिसाब से। गेम प्ले और इस गेम की वीडियो प्ले कुछ फर्क नहीं है, बिल्कुल इजीली है। लैंड की ग्राफ भी देख सकते हो, लैंड कितना रियलिस्टिक है, यहाँ तक कि माउंटेंस भी।
और देख कर काफी एनिमी जैसा दिखता भी है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय टाटा फ्रेंड्स। देखिए धूल का इफेक्ट, हॉर्स की पावर, हमारा हीरो कर सकता है यहाँ पे हॉर्स के ऊपर से हाई जंप। ये रुकने नहीं आता, देखो मजेदार। और फ्रेंड इस टाइम लेके आपको 100 से ऊपर म्यूजिक वीडियो सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, चाहो तो एक अच्छा कमेंट भी कर सकते हो। पर आप बताइए स्क्रीन ग्राफिक कितने अच्छे हैं, देखो रियलिस्टिक है, बिल्कुल एनिमी जैसा दिखता नहीं है क्या कैरेक्टर। बाकी बो ने रोज ड्रेस देखो काफी रियलिस्टिक। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर दैट, मैं ज़्यादा गेम प्ले नहीं दिखा सकता आपको, पर उम्मीद है आपको भी जितने भी आपने देखा वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसका एक लास्ट जो बताया था गेम प्ले पार्ट एक दूसरा है उसको दिखाते हैं, तो फिर मिलते हैं अगले तरह चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगली गेम ये है, इसका नाम है आइको और ये भी प्लेस्टेशन 2 में है और ये अवेलेबल है, इसी का अगला पार्ट है स्टोरी ऑफ कॉलोसस के बाद की स्टोरी, उसमें हमारा वही मेन कैरेक्टर। एक अलग रूप में स्टोरी रिव्यू नहीं करूँगा बट फिर भी इसके हाथ में लकड़ी क्यों है वो उसी में पता चलेगा। तो फिर से ये इसका अगला पार्ट, इसमें आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी और फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।